आज मेरे पास है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 न्यू लॉन्च मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की। बहुत सारे लोगों के कंसर्न है क्योंकि मोटरसाइकिल बहुत टॉल बहुत हैवी है। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि किस हाइट के राइडर के लिए मोटरसाइकिल बनी है, किस हाइट के लोग इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये सवाल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज इंडियन हाइट के लोगों के लिए ये मोटरसाइकिल बनी है या नहीं, किस हाइट के जो लोग हैं इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं और ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक 5.5-5.6 के अराउंड के हाइट का इंसान हूं। मैं आपको इस मोटरसाइकिल पर बैठ के दिखाता हूं कैसे मैं इस मोटरसाइकिल को चलाता हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस हाइट के लोगों के लिए मोटरसाइकिल पे बैठने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो सीट है एडजस्टेबल है हाइट में। तो अभी मैंने इसको लोवेस्ट पे रखा है, 825 mm की सीट हाइट पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो मैं आपको मोटरसाइकिल पे बैठ के दिखा देता हूं कि 825 mm के साथ मैं इस मोटरसाइकिल को कैसे कंट्रोल करता हूं। ये लीजिए, मोटरसाइकिल को मैंने स्टैंड से हटा दिया है। अभी जो सीट का जो एडजस्टमेंट है वो लोवेस्ट है। उसके बाद अगर मैं अपने पैर की बात करूँ, मेरे दोनों पैर ज़मीन पे टच हो रहे हैं, सिर्फ मैं अपना पैर का टू एंड ज़मीन पे टच कर पा रहा हूँ। यानी मेरे लिए मेरी हाइट 5.5-5.6 के अराउंड है और इस मोटरसाइकिल को मैं, मेरे लिए थोड़ी सी आई थिंक टॉल है ये मोटरसाइकिल, सिंस के इंडियन एवरेज हाइट जो है वो लोअर साइड पे है। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल का शौक़ होता है, जैसे कि मैं हूँ। हाइट में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल चलाने का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन ऐसे केसेस में आपकी हाइट नहीं, आपकी स्किल्स काम आते हैं। इट डजेंट मैटर कि मोटरसाइकिल की हाइट कितनी है, मैटर करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं 5.5 के अराउंड मेरी हाइट है। इस मोटरसाइकिल को मैं काफ़ी समय से राइड कर रहा हूँ और मैं इसको ईजिली ट्रैफिक में, ख़राब रस्तों में ईजिली राइड कर पाता हूँ। मुझे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ कभी ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे मुझे मोटरसाइकिल को गड्ढे में से क्रॉस करना है या कभी ऐसी जगह पे पैर टेकने पड़ जाए तो एक चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए मोटरसाइकिल को कंट्रोल करना। ऐसे केसेस में मेरे पास जो सॉल्यूशंस हैं इस मोटरसाइकिल को हैंडल करने के, ये सॉल्यूशंस हैं। अगर आप राइडिंग बूट्स का यूज़ करते हैं, खासकर राइडिंग बूट्स पहन के इस मोटरसाइकिल को चलाओ, क्योंकि उनका जो सोल होता है वो आधे एक इंच ऊपर होता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा हाइट का बेनिफिट मिल जाता है। अभी जो मैं शूज़ पहन के इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहा हूँ वो ट्रैकिंग शूज़ हैं। अगर आप राइडिंग शूज़ सपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रैकिंग शूज़ एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अपार्ट फ्रॉम राइडिंग बूट्स, दूसरा सोल्यूशन है अगर आप इस मोटरसाइकिल को परचेज करते हैं तो रॉयल इनफील्ड आपको एक एसेसरीज के तौर पर लोअर सीट ऑफर करता है। तो आप उसको एडिशनली परचेज करके इंस्टॉल करवा सकते हैं इस मोटरसाइकिल में, या अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट सीट आप इस मोटरसाइकिल में थोड़ी बहुत ट्रिम करवा के या एडजस्ट करवा के लगवा सकते हैं। तो उसके बाद आप इस मोटरसाइकिल को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब अगर बात आती है ये मोटरसाइकिल किस हाइट के लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, तो ये मोटरसाइकिल अगर आप 5.8 या फिर उससे ऊपर की हाइट के हैं तो आपको इस मोटरसाइकिल को चलाने में या हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है। इवन कि मैं 5.5-5.6 के अराउंड के हाइट का इंसान भी इस मोटरसाइकिल को ईजिली मैनेज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस बीइंग ए शॉर्ट राइडर एक टॉल बाइक हिमालयन 450 के साथ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।